रामगढ़ में आज निकाला गया भव्य मंगला जुलूस MMT ग्राउंड चट्टी बाजार झंडा चौक थाना चौक होते हुए समस्त रामगढ़ भ्रमण किया गया। इस जुलूस में रामगढ़ के विधायक मनीष जायसवाल एवं भूतपूर्व सांसद यदुनाथ पांडे मौजूद रहे। मंगला जुलूस को लेके आप लोग निकले हैं, पूरा क्या क्या विधि व्यवस्था और क्या? श्री रामनवमी राम जी के पूजा के शुभ अवसर पर आज रामगढ़ की धरती जो राम की गढ़ है पावन धरती पर पूरे सनातन धर्म प्रेमियों के द्वारा अंतिम मंगलवार जो रामनवमी का है उसमें शोभा यात्रा पूरे धूमधाम से किया, युवा क्या बुजुर्ग क्या युवा क्या साथी तमाम महिलाएं हम लोग के साथ में भी युवा जय श्री राम का नारा लगाते हुए पूरे रामगढ़ नगर का भ्रमण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं युवा में कितना उत्साह है जो कि श्री राम प्रभु जी के कारण नॉर्मल हुआ है, तो हम पूरा धूमधाम से मना रहे हैं। बोलो जय सियावर राम। सरकार विक्रम संवत 9 वर्ष की सबको बधाई देना चाहता हूँ। अभी अभी सरहुल कल गीता है उसकी भी बधाई, और रामनवमी के पहले हर मंगलवार को एक शोभा यात्रा निकाली जाती है इसलिए कि रामनवमी में आने वाले समय उसका श्रृंगार अच्छी तरह से हो सके, उत्साह भर सके और लोगों में ऊर्जा उत्पन्न हो सके। आज का यह मंगलवारी आने वाले रामनवमी और दसवीं की शोभा यात्रा में हम कहें कि एक श्रृंगार का काम करेगा। पूरे उत्साह के साथ संपूर्ण हिंदू समाज है और महावीर जी के झंडे के नीचे आज जातीयता क्षेत्रीयता और दलगत भावना से ऊपर उठकर संपूर्ण हिंदू समाज एक झंडे के नीचे आकर एकत्रित हुआ। स्थानीय डॉन बॉस्को स्कूल में मंगलवार को वार्षिक परीक्षा का परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। सर्वप्रथम स्कूल के संस्थापिका प्रमिला राय ने बच्चों को रिजल्ट कार्ड देकर रिजल्ट का शुरुआत किया। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक अमित रॉय ने कहा कि लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन मोड में यह पहला परीक्षा था जिसमें बच्चों ने अति उत्साह के साथ भाग लिया। वैसे 2 वर्षों के लंबे कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई अत्यंत पिछड़ गई थी, लेकिन मात्र 2 महीने की पढ़ाई में स्कूल के अथक प्रयास के साथ अभिभावकों तथा बच्चों के सहयोग से उनके पढ़ाई में आश्चर्यजनक सुधार हुआ है, जिसका परिणाम यह रहा कि स्कूल का रिजल्ट इस बार भी 100% रहा। कई बच्चों ने तो इस बार भी 99% अंक लाकर पुनः विद्यालय का नाम रोशन किया। रमजान और चैती छठ को लेकर गोड्डा मुफस्सिल थाना में आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें गोड्डा SDPO व गोड्डा SDM भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों ही पर्व आपसी भाईचारे को दर्शाता है और हमें विश्वास है कि यह आम लोगों की खुशी समृद्धि लाएंगे और आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाया जाएगा। मोस्टली हम लोगों ने सारी समितियों को निर्देश दिया है कि पहली बात तो आप अपना शपथ पत्र है संबंधित थाना में जरूर उसको भर देंगे। शपथ पत्र में कुछ जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है स्टेट के वो सब उसमें हाईलाइटेड है, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो विसर्जन होगा या जो भी आप प्रोसेशन निकालेंगे उसमें 100 लोग से ज़्यादा की अनुमति नहीं है। तो 100 लोग का कम से कम सूची बना के सभी समिति मेंबर्स अपने पास रख लेंगे। जब हमारा मैजिस्ट्रेट वहाँ पे आपके पास पहुँचता है उनको उन 100 लोगों का नाम उनको प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा, कोई भी DJ अलाउड नहीं है, रिकॉर्डेड CDs वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है जो प्रोसेशन या किसी के साथ मूव करेगा, तो उसको स्ट्रिक्टली हम लोगों ने बोल दिया कि नहीं लेके चलेंगे। उसके बाद जो भी प्रोसेशन और जो भी चीज़ें होंगी विसर्जन, वो 6 बजे से पहले, शाम के 6 बजे से पहले खत्म कर देना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर नेक्स्ट डे। प्रसाद पर भी रोक लगा गई, ये स्टेट से या ये स्टेट का ही गाइडलाइंस है जो रिलीजियस जो पुराने चले आ रहे हैं, जैसे सारे समितियों का दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा इन सब का जितना हमारा गाइडलाइन था रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप में जो लगा हुआ है वो अभी भी लगा हुआ है। रामेश्वर में रामनवमी को लेकर मंगलवार के अपराह्न में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। थाना प्रभारी संजय कुमार की अध्यक्षता में की गई बैठक, भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी मनाने का निर्णय लिया गया। साहिबगंज जिला के मंडरो प्रखंड के सिमड़ा पंचायत में दलालों का लगा अंबार। दलालों द्वारा आवास दिलाने के नाम पर 10,000 से लेकर 20,000 का डिमांड किया जाता है। वहां के लोगों को पानी पीने में बहुत समस्या होती है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं देखने के लिए। यहाँ तक कि मुखिया सिर्फ वोट लेने आते हैं, आम जनता की क्या परेशानी है कोई देखने के लिए अब तक नहीं आए। क्या आप 10 से 20,000 रुपए महीना अपने घर पर रहकर कमाना चाहते हैं? तो खोलें मिनी बैंक, अपने एरिया के लोगों को दें बैंकिंग सर्विस, सभी बैंकों का आधार कार्ड से निकासी, ATM से निकासी, सभी कंपनियों के मोबाइल, DTH, रिचार्ज, पैन कार्ड जैसे अनेकों सर्विस। CSP ID के लिए कॉल करें
7726006565 पर।